हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, टुडे इज अवर पार्ट वन ऑफ अवर न्यू चैप्टर। क्या है आज हमारा पार्ट वन है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम क्या है हमारे थर्ड लेसन का और थर्ड चैप्टर का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आपको मालूम है एडिशन क्या है सब्ट्रैक्शन क्या है, मुझे वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो भी हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ी रिविजन करेंगे, फिर आज हम हमारा चैप्टर का टॉपिक देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, टेक आउट पेज नंबर 10 एंड लुक एट द टेक्स्ट बुक। सबसे पहला टॉपिक है एडिशन, उसकी रिविजन। सो स्टूडेंट्स, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फॉर द फर्स्ट डे ऑफ अ क्रिकेट मैच 23,456 टिकट्स वेयर सोल्ड इन ऑल डे। देखो क्रिकेट मैच है, उसका पहला दिन था, कितने टिकट्स गए पहले दिन 23,456, उसके बाद दूसरे दिन कितने टिकट्स गए 14,978। तो पूरे दोनों दिन में कितने टिकट सोल्ड किए आपको पूछा है, पूरा टोटल पूछा है, इसलिए आप क्या करेंगे वहां पे आप एडिशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी लुक एट द बोर्ड। सो 6 प्लस 7 दोनों मैंने टिकट्स के प्राइस यहाँ पे लिख लिए, कितने टिकट सॉरी क्या पूछा है उन्होंने, ओके क्वांटिटी मैंने लिख ली है, ये पहले ये दूसरे, इनकी क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने बोला है और वापस एक बार बोल रही हूँ कि हम जब भी एडिशन स्टार्ट करते हैं ना, हम यहाँ से एडिशन स्टार्ट करते हैं यूनिट्स प्लेस से। सो स्टूडेंट्स, 6 प्लस 8 यस कितना 14 देखो आप 14 आप ऐसे लिखते हो बराबर, लेकिन कैरी लेते वक्त 14 का 4 यहाँ करोगे 1 ऊपर जाएगा, सर्कल में यहाँ पे कैरी राइट कर दू बराबर, ये 7। सो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 1 यहाँ पे जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 1 कैरी। सो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 1 3, तो कितना हुआ आंसर, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड वॉज 38,434। ये हो गया आपका एडिशन, यहां तक आपको मालूम है। सो स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम सेट 7। प्रॉब्लम सेट 7 ये जो है, ये रिवीजन की तौर पर आपको दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, तभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल इसका सॉल्व करके दे रही हूँ। जो बाकी के रिमेनिंग है जो 3 एग्जाम्पल, वो आपको क्या करने हैं आपके क्लास वर्क नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी प्रॉब्लम 6-7। सिंपल एडिशन है, कितने करना है, और 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 बराबर, यहाँ पे कुछ कैरी नहीं है। सो 7 प्लस 8 कितना हुआ 15, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, देखो तो 4,722 + 1,000 13,890 इन दोनों का एडिशन किया तो 54,541 आपको क्या मिला आंसर मिला। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपको प्रॉब्लम सेट 7, रिमेनिंग एग्जांपल आपको होमवर्क में करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर्स फर्स्ट टॉपिक। क्या है फर्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ 6 डिजिट एंड 7 डिजिट नंबर्स। क्या है, अब आपको एडिशन सीखनी है, कौन से 6 डिजिट की और 7 डिजिट नंबर्स की। सो लेट्स सी, लास्ट ईयर यू हैव लर्न टू एड 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर कैन बी एडेड सेम मेथड। वही मेथड का आपने लास्ट ईयर सीखा है, 6 डिजिट और 5 डिजिट का एडिशन, वही मेथड आपको भी यूज करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया। क्या है एग्जांपल, 1,43,057 + 4,21,689। इन दोनों का एडिशन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया उनके प्लेस वैल्यूज लिख लिए यहाँ पे,
अरेंज किया है। सो नंबर स्टूडेंट्स, हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। थोड़े बड़े बड़े नंबर है इसलिए मैंने ऐसे आपको अरेंज करके बताया है। 7 प्लस 9 16 बराबर, यहाँ पे वो 1 कैरी। सो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी, सॉरी 1 कैरी। सो 0 प्लस 1 1, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5 बराबर। ये हो गया आपके एडिशन। सो इसका आंसर आ गया आपका, देखो ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर आया 5,64,746। सो स्टूडेंट्स, वैसे ही एग्जांपल नंबर 2 है, लेकिन अभी हम एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, 3 नंबर्स का आपको एडिशन करना है। देखो 3,12,469 प्लस 758 प्लस 24,092, इन तीनों का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट एड फ्रॉम यूनिट्स प्लेस। देखो स्टूडेंट्स, 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, 10 प्लस 9 कितना हुआ 19, हियर इज 1 कैरी। देखो स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में कैरी उन्होंने दी नहीं है क्योंकि उन्होंने वो मन में पकड़ी है, लेकिन आपको ये हार्ड जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे कैरी राइटअप कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 कितना हुआ 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 5 21, यहाँ पे 2 कैरी है। अब देखो स्टूडेंट्स, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 31 कैरी। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 3-3 डिजिट्स का एडिशन किया है। अब यहाँ पे हो गया आपके 2-2 डिजिट्स, लेकिन कैरी ऐड करना भूलना नहीं है। 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए यहाँ दिस 3 नीचे आ गया। तो क्या आया स्टूडेंट्स इसका आंसर, 3,37,319। देखो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका एडिशन। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एडिशन सिखाया, आई होप आपको समझ में आया है। प्रॉब्लम सेट 7 आपको कंप्लीट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एडिशन की। सो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक हम या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे प्रॉब्लम सेट 8 सॉल्व करके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।